हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में मुकेश एंटोमोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले कि आज का टॉपिक शुरू किया जाए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को देखिए, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से अपना लाभ उठा सकें, अपनी जानकारी को बढ़ा सकें। तो साथियों, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो आज हम जिस टॉपिक की स्टडी करेंगे, उस टॉपिक का नाम है इंसेक्ट पेस्ट, देयर अबंडेंस एंड द फैक्टर्स ऑफ देयर अबंडेंस। और अगर हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं पीड़क कीट, उनकी प्रचुरता तथा प्रचुरता में बदलने वाले कारक। तो साथियों, टॉपिक शुरू करते हैं और टॉपिक की शुरुआत करते हैं कीट से कि कीट है क्या। तो इंसेक्ट अ स्मॉल एनिमल विद 6 legs, 2 pairs ऑफ विंग्स एंड अ बॉडी विच इज डिवाइडेड इंटू 3 parts, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंट, ग्रास ऊपर, etc। हिंदी में अगर इसी चीज़ की हम परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कीट एक वह छोटा सा एनिमल है जिसमें 6 टांगे और 2 जोड़ी पंख और एक शरीर होता है जो कि 3 parts में डिवाइड होता है, सिर, वक्ष और उदर। उदाहरण इसका देख सकते हैं चींटी और टिड्डा। कीट और मनुष्य का संघर्ष अगर देखा जाए तो आदिकाल से ही चला आ रहा है और ये संघर्ष देखा जाए तो हमेशा लग रहा है कि चलता ही रहेगा। जब तक मनुष्य और कीट का अस्तित्व इस दुनिया में रहेगा, इस धरा पर रहेगा, तब तक इनके बीच का संघर्ष शायद ही कभी ख़त्म हो सके। कारण क्या है? कारण ये कि इन दोनों को एक ही तरह की वस्तुओं की आवश्यकता होती है और वो भी एक ही समय पर। ये दोनों के बीच के संघर्ष का मुख्य कारण है। इंसेक्ट प्रकृति में अपने को इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है कि मनुष्य चाहकर भी उन पर ना तो कोई नियंत्रण पा पा रहा है और ना ही उसका मालिक बन पा रहा है, यानी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हालांकि कुछ इंसेक्ट हैं जैसे हनी बी है या सिल्क मॉथ है, इन दो ऐसे कीटों को मनुष्य ने अपने लाभ के लिए उसको पालना भी सीखा है, लेकिन कुछ कीट ऐसे भी हैं जिनसे चाहकर भी वो कोई भी लाभ नहीं ले पा रहा। अब ये कीट क्या करते हैं, यह फसल, बाग बगीचे या स्टोरेज जो ग्रेन होता है, भंडारित अनाज या हमारे पालतू जानवर, इनको बीमार करके या किसी दूसरे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हानि पहुंचाते हैं। इंसेक्ट मनुष्य की द्वारा किए गए जितना भी मेहनत है, जितना भी श्रम है, उसको सबको ख़त्म कर देते हैं। कभी फसल को बर्बाद करते हैं तो कभी कुछ दूसरी चीज़ें आर्थिक रूप से किसी तरह से परेशानी देते हैं। कारण क्या होता है, उसे होता क्या है, रिजल्ट ये होता है कि मनुष्य जो है भुखमरी के कगार पे कभी कभी खड़ा हो जाता है। हमारे सामने ही हम देखते हैं हमारे पशुओं को, हमारे परिजनों का रक्त चूस रहे हैं। हम इतना सब देख कर भी कीट को घर से बाहर निकालने में सफल नहीं हो पाए। प्रकृति ने इन्हें कंट्रोल करना स्टार्ट किया, प्रकृति को कंट्रोल करती है, लेकिन ये भी कठिन काम है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो मनुष्य का और कीटों के साथ एक लंबा संघर्ष चला आ रहा है, लेकिन कीट के साथ साथ अगर देखें तो तू डाल डाल मैं पात पात की कहावत यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से सिद्ध हो रही है। तो कीटों में कुछ ऐसी विशेषताएं भी पाई जाती हैं जो उन्हें मनुष्य के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए उपयुक्त बनाती हैं। ये विशिष्ट गुण कौन कौन से हैं, आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम कीटों की प्रचुरता से। साथियों, अगर हम देखें तो किंगडम एनिमिलिया का जो सबसे विशाल और सबसे कॉम्प्लेक्स अगर कोई वर्ग है, कोई क्लास है, तो वो इंसेक्टा ही है, जिसको हम कह सकते हैं कीट वर्ग। पूरे विश्व में
एनिमल किंगडम की लगभग 40 लाख जातियां हैं, जिसमें हमें केवल 11 लाख का ज्ञान है और उसमें भी 6 से 7 लाख केवल कीट हैं। अलग अलग अगर अनुमान लगाया जाए तो इन अनुमानों के अनुसार इनकी संख्या पृथ्वी पर और पृथ्वी के अंदर 10 लाख, 35 लाख और 1 करोड़, इसकी टोटल जो व्यष्टियाँ हैं वो पाई गई हैं। अकेले भारत की अगर बात करेंगे तो यहाँ कीटों की लगभग 29,700 जातियाँ व उपजातियाँ पाई जाती हैं। इस तरह से कीट लगभग सभी जगह जैसे जल, थल और नभ में मिलते हैं। समुद्र तल के 1900 फीट नीचे पर्वतों पर 20,000 फीट की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। इनकी प्रचुरता का कारण है वो है इनका छोटा आकार, हल्का शरीर, बाह्य कंकाल, तीव्र प्रजनन क्षमता, अनुकूलन और भोजन की विविधता आदि हैं। प्रोफेसर हक्सले के शब्दों में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि द हाफ ऑफ द लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ द एंटायर एनिमल वर्ल्ड इज इनक्लोज्ड इन द इंसेक्ट बॉडी। स्टूडेंट्स, कीटों का आकार हम लोग जानते हैं कि बहुत ही छोटा होता है, ये बहुत ही हल्के बॉडी का होता है और यही दोनों कारण होते हैं उसकी सफलता और प्रचुरता के। आकार और भार में कम होने के कारण इनमें बहुत अधिक चंचलता होती है, स्फूर्ति होती है, जिससे ये अपना सारा कार्य आसानी से करने में सक्षम होते हैं। औसत कीट की अगर आकार और वजन की बात की जाए तो इनका आकार 5 से 12 मिलीमीटर और भार इनका होता है 25 से 50 मिलीग्राम। इतना छोटे आकार होने के कारण ही ये अपने माइक्रो हैबिटेट्स में आसानी से छिप जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अंडों का परजीवी ट्राइकोग्रामा माइनुटम, इसकी लंबाई होती है 0.37 मिलीमीटर और भार होता है 0.004 मिलीग्राम। एडीस मच्छर की लंबाई होती है 5 मिलीमीटर और साथ में वजन होता है 1.5 मिलीग्राम। घरेलू मक्खी की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 7 मिलीमीटर और वजन होता है 20 मिलीग्राम। इस तरह से हम देखें तो अधिकांश इंसेक्ट छोटे और हल्के होते हैं, जिससे उनको कूदने और उड़ने में आसानी होती है। पिस्सू की अगर टांगों की लंबाई की बात करें तो इसकी टांगों की लंबाई होती है 1.25 सेंटीमीटर और लंबाई होती है 32.5 सेंटीमीटर। इसके साथ ही ये 22.37 सेंटीमीटर ऊंचाई में कूद भी सकते हैं। बात करते हैं दूसरे कारणों की। नंबर 2, कीटों की तीव्र प्रजनन क्षमता या हाई फेकंडिटी एंड रैपिड रिप्रोडक्शन। अधिकांश इंसेक्ट काफ़ी अधिक संख्या में अंडे देते हैं। कीटों का अंडा देने का औसत लगभग 100 होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कुछ फीमेल एक ही अंडा देती हैं तो दूसरी तरफ अगर देखें तो कुछ फीमेल लगभग 10 लाख या इससे अधिक अंडे भी देती हैं। रानी मधुमक्खी प्रतिदिन 1500 से 2000 अंडे देती है, जबकि दीमक की रानी प्रति मिनट 50 से 60 अंडे देती है। इस तरह से लाखों करोड़ों की संख्या तक ये अंडे देती रहती है। इंसेक्ट की लाइफ साइकिल भी दूसरे एनिमल्स की अपेक्षा जल्दी पूरी हो जाती है, इससे एक वर्ष में कई पीढ़ियां पूरी होती हैं। मौत की प्रजनन क्षमता के विषय में K.R. डैमले ने लिखा है कि द इंसेक्ट्स आर सो प्रोलिफिक दैट द प्रोगेनी ऑफ ए सिंगल पेयर ऑफ ऑर्डिनरी मॉथ वुड विद इन जस्ट 1 ईयर नंबर्स अबाउट 2 ट्रिलियन एंड इफ दे सर्वाइव्ड वुड कवर द एंटायर ड्राई सरफेस ऑफ द अर्थ टू ए डेप्थ ऑफ अबाउट 80 फीट। इसको हिंदी में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट के अंदर प्रजनन की इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि अगर एक सिंगल पैर अगर एक सामान्य मौत का छोड़ दिया जाए रिप्रोडक्शन करने के लिए तो केवल 1 साल ही लगेगा। 1 साल में उनकी संख्या लगभग
2 ट्रिलियन हो जाएगी। और ये इतनी बड़ी संख्या है कि पृथ्वी के पूरे ड्राई जो सरफेस है उस पूरे ड्राई सरफेस को ये ढक लेगा लगभग लगभग 80 फिट मोटाई से। नंबर 3, एडेप्टेबिलिटी ऑफ इंसेक्ट, कीटों में यथाकाल अनुकूलन। बच्चों, कीटों का एक विशिष्ट गुण होता है कि वे अपनी आदतें समय समय पर नई रचना के अनुसार बदल लेते हैं। अगर अपने शब्दों में कहें तो इंसेक्ट के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि ये जैसा मौसम होता है या जैसी परिस्थिति होती है उसी अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। इसमें उनको ज़्यादा समय नहीं लगता, इसीलिए यह भूमि के अंदर, पानी के ऊपर, पानी के अंदर, हवा में, पेड़ पौधों के ऊपर, मनुष्यों और जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना अनुकूलन करने में सक्षम होते हैं, बड़ी जल्दी अपना जो है वो अनुकूलन करने में सक्षम हैं। नंबर 4, भोजन की विविधता, वेरिएबिलिटी ऑफ फूड। कीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है और अगर किसी एक ही भोजन पर ये अपना जीवन यापन करते तो उनका जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। कीट अलग अलग प्रकार की फसलों, पेड़ पौधों, जंगलों, पशुओं तथा जीवों पर भोजन के लिए निर्भर हैं, इसलिए इन्हें आसानी से भोजन उपलब्ध हो जाता है। यहाँ तक कि कीट किसी विशेष प्रकार के पौध या फसल की अनुपलब्धता पर दूसरे पौधे फसल पर जीवन यापन करते हुए अपनी संख्या बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चना फली बेदा कीट, जो पहले चना की फसल का प्रमुख कीट था, आज के समय में कपास, सूरजमुखी, अरहर, टमाटर आदि का ये पेस्ट बन गया है। तो इससे तो स्पष्ट है कि इनकी संख्या बढ़ने में काफ़ी सहायता मिलती है। अगला जो इनका गुण है वो है परसिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट या कीटों का हट। बच्चों, ये आपने देखा होगा कि जैसे मक्खी लीजिए, मक्खी क्या करती है कि कोई जानवर हो या सोते हुए मनुष्य हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि आपके पास आकर बार बार बैठ जाती है और आप जितना भी उसको हटाने का प्रयास करेंगे वो घूम फिर कर फिर आपके ऊपर आकर उसी जगह पर बैठ जाती है। होता क्या है कि कीटों में एक विवेक शक्ति या निर्णय की क्षमता नहीं पाई जाती और ये अपनी अंतः प्रवृत्ति द्वारा ही या स्वभाव से प्रेरित होकर अपने उद्देश्य के लिए एक पूरे हठयोग का व्यवहार करती हैं, जिद का व्यवहार करती हैं। इसीलिए ये पुनः आकर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही जगह पर बैठती हैं या उसे तंग करती हैं या क्लेश पहुंचाती हैं। इस प्रकार का व्यवहार दूसरे बहुत से कीटों में भी पाया जाता है। जो अगला गुण है वो है द बॉडी स्ट्रक्चर्स ऑफ इंसेक्ट्स या कीटों की शरीर रचना। बच्चों, कीटों में हड्डियां नहीं पाई जाती, लेकिन इनके शरीर के ऊपर एक टिकाऊ, लचीला एक कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन या क्यूटिकल या फिर क्यूटिकुला भी इसको कहते हैं। ये जो कवरिंग है ये शरीर के ऊपर एक आयरन क्लैड या लौह कवच की तरह काम करती है। ये इतना मजबूत होता है कि इसके ऊपर अगर पानी, एसिड, तेजाब या जो दूसरे एनिमल के डाइजेस्टिव फ्लूट्स होते हैं उसका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। यहाँ तक कह सकते हैं कि उबलता हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो मांस, सींग आदि को गला देता है उसका भी इंसेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं होता। बॉडी वॉल के अलावा ये कह सकते हैं कि कीटों को ममीज की तरह बिना किसी प्रिजर्वेटिव के इसे 100 वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए सक्षम होता है। इस प्रकार की रचना का लाभ इंसेक्ट को मिलता है। इसी प्रकार 6 टांगे होने के कारण चलने में एक विशेष सुविधा और पंखों के कारण उड़ने में इनको सहायता मिलती है। इसीलिए इनके शरीर की जो रचना है वो इतनी फेवरेबल है इनके लिए कि बड़ी आसानी से अपनी जीवन यापन भी कर लेते हैं और अपनी संख्या में बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि भी करने में सक्षम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।